मूवी के शुरू में हम मैथ्यू को देख पाते हैं। वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और रिसेंटली ग्रेजुएट होने वाला है। वो एक पॉलिटिशियन बनना चाहता है। उसका सपना है US प्रेसिडेंट बनने का। जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन भी हो जाता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसका फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। अब मैथ्यू के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उसे एक डिबेट कंपटीशन जीतना होगा, तब उसे स्कॉलरशिप मिलेगी। वो इस डिबेट की तैयारी में लग जाता है। इसके कुछ दिनों बाद उसके साइड वाले घर पे एक लड़की रहने आती है। इसका नाम है डैनियल। वो बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव है, तो नेचुरली मैथ्यू उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। वो विंडो से डैनियल को ड्रेस चेंज करते हुए देखता है। तब डैनियल भी उसे देख लेती है और वो छुप जाता है। देन डैनियल फौरन मैथ्यू के घर आके उसके मॉम डैड से मिलती है। उसके डैड उसे नीचे बुलाते हैं। उसे लगता है डैनियल कंप्लेन करने आई है, पर नहीं, डैनियल कहती है वो रिसेंटली इधर शिफ्ट हुई है, उसे यहाँ का कुछ भी नहीं पता। उसे उसकी आंटी के घर जाना है, इसलिए वो उनसे मदद मांगती है। तब मैथ्यू के डैड मैथ्यू को उसके साथ जाने के लिए कहते हैं। असल में आंटी के घर जाना बस एक बहाना था, वो तो मैथ्यू को पनिश करना चाहती थी। डैनियल पूछती है, तुमने जो देखा तुम्हें कैसा लगा? मैथ्यू कहता है, वो बस एक एक्सीडेंट था। लेकिन डैनियल फिर भी उसे सजा देती है, बीच सड़क पे उसके कपड़े उतरवाती है। इसके बाद ये दोनों एक कैफ़े में जाते हैं, एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। डैनियल एक ड्राइंग करती है जो वो मैथ्यू को देती है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अगले दिन डैनियल मैथ्यू के क्लास के बाहर आती है और ये दोनों घूमने जाते हैं। डैनियल उसे चोरी छुपे एक स्विमिंग पूल पे ले जाती है। उधर ये दोनों किस करने ही वाले थे कि तभी मैथ्यू देखता है ये घर उसके प्रिंसिपल का है। तब ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। मैथ्यू उसे लेकर उसके फ्रेंड के घर जाता है। फिर ये लोग एक पार्टी में जाते हैं। उधर उसके क्लासमेट्स डैनियल के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं और उसे पार्टी से निकाल देते हैं। तब वो हिम्मत करके डैनियल के पास जाता है और सबके सामने उसे किस करता है। यहाँ से इन दोनों की रिलेशनशिप शुरू होती है। मैथ्यू बहुत खुश होता है क्योंकि फाइनली उसकी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग हो रहा है। पर उसका फ्रेंड कहता है डैनियल एक पॉर्न स्टार है, उसका स्टेज नेम है अथीना। वो उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें डैनियल थी। ये देखकर मैथ्यू का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तब उसका फ्रेंड कहता है तू उसे रूम में ले जा और उसका फ़ायदा उठा। पर मैथ्यू कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। घर आके वो देखता है डैनियल उसके घर पे है। डैनियल मैथ्यू के बचपन की फ़ोटोज़ देख रही है। मैथ्यू डिसाइड करता है वो उसे लेके रूम में जाएगा। तो इवनिंग में वो उसे एक मोटेल पे ले जाता है। लेकिन डैनियल समझ जाती है मैथ्यू उसके साथ क्या करना चाहता है। तब वो गुस्सा होके वहाँ से निकल जाती है और कहती है पहले वो ये काम करती थी लेकिन अब ये काम वो छोड़ चुकी है। वो मैथ्यू से सच में प्यार करने लगी थी, पर मैथ्यू भी बाकी लड़कों की तरह ही है, ये कह के वो ब्रेकअप कर लेती है। अगले दिन मैथ्यू डैनियल के घर जाता है उससे माफ़ी मांगने के लिए। तब वो कैली को देख पाता है जो एक प्रोड्यूसर है। डैनियल मैथ्यू से कहती है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर ये तीनों एक क्लब में जाते हैं। उधर मैथ्यू कैली से पूछता है तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? कैली कहता है वो दोनों एक साथ काम करते थे और वो दोनों रिलेशनशिप में भी थे। अगले दिन मैथ्यू कैली को उसके स्कूल के बाहर देखता है। वो उधर स्कूल की लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था। फिर कैली उन लड़कियों के सामने मैथ्यू और उसके फ्रेंड्स की तारीफ करता है। तब ये लड़कियां मैथ्यू और उसके फ्रेंड्स के पीछे पड़ जाते हैं। वो उनके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं, पर मैथ्यू और उसके फ्रेंड्स उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। वो बैंक जाता है और कैली को एज अ स्टूडेंट एडवाइज़र इंट्रोड्यूस करवाता है। मैथ्यू स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है। लास्ट फ्यू मंथ से सारे स्टूडेंट्स मिलकर $25,000 कलेक्ट किए हैं। एक कॉम्बोडियन स्टूडेंट है सैंग यंग, वो बहुत ही ब्रिलियंट है। मैथ्यू चाहता है वो अमेरिका आके स्टडीज़ कंटिन्यू करे। ये पैसे उस लड़के के लिए हैं, वही डिपॉजिट करने वो बैंक आया है। इसके बाद डैनियल कैली के साथ लास वेगास वापस जा रही होती है। तब मैथ्यू उसे रोकता है, पर डैनियल कहती है वो उसके पास्ट लाइफ से भाग नहीं सकती, लोग उसे ऐसा करने नहीं देंगे। नॉर्मल लाइफ जीना उसकी किस्मत में नहीं है, वो जहाँ से आई थी उधर ही उसे वापस जाना होगा, ये कह के वो वेगास चली जाती है। इवनिंग में मैथ्यू उसके फ्रेंड्स के साथ एक कैफ़े में बैठा था। तब वो कहता है गलती मेरी थी, मेरी वजह से आज डैनियल मुझे छोड़ के चली गई। उसके फ्रेंड्स उसे चीयर अप करते हैं और ये लोग वेगास के लिए निकल पड़ते हैं। उधर पहुंच के वो डैनियल को देखता है
वो बहुत अपसेट थी। मैथ्यू उससे माफ़ी मांगता है पर वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। फिर हम और एक आदमी को देख पाते हैं, इसका नाम है ह्यूगो। ये भी एक प्रोड्यूसर है और वो कैली का राइवल है। डैनियल कैली के साथ काम कर रही है ये देखकर ह्यूगो कहता है, तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें स्टार बना दूंगा। तब कैली एंड मैथ्यू दोनों ही उधर आ जाते हैं। कैली मैथ्यू से पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैथ्यू कहता है, मुझे नहीं लगता डैनियल यहाँ पे रहना चाहती है, मैं उसे ले जाने आया हूँ। पर डैनियल कहती है, तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ और अपने घर लौट जाओ। देन कैली उसे एक रूम में ले जाके थ्रेट करता है, पर फिर भी वो डैनियल के पास जाता है और कहता है, मुझे पता है तुम क्या चाहती हो और तुम्हें भी पता है कि तुम इस जगह पे बिलोंग नहीं करती। मैथ्यू उसे वही ड्राइंग देता है जो डैनियल ने उसे दिया था। अब रात के 2 बज चुके हैं और कल मैथ्यू का स्कॉलरशिप डिनर भी है जहाँ वो स्पीच देगा, इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ वो घर वापस आता है। अगली सुबह डैनियल भी वापस आ जाती है। वो मैथ्यू को स्कूल छोड़ने जाती है। मैथ्यू उसे उसके साथ प्रॉम में जाने के लिए कहता है। डैनियल भी राज़ी हो जाती है। मैथ्यू स्पीच को लेकर बहुत नर्वस होता है क्योंकि वो जानता है अगर उसे स्कॉलरशिप नहीं मिली तो वो जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में कभी नहीं जा पाएगा। तभी कैली उधर आता है और फोर्सफुली उसे बाहर ले जाता है। कैली कहता है, मैथ्यू की वजह से उसका $30,000 का लॉस हो गया क्योंकि डैनियल मैथ्यू की बात सुन के वापस आ गई। मैथ्यू कहता है धीरे धीरे करके वो उसका पैसा चुका देगा, पर कैली उसे बहुत मारता है, फिर उसे ड्रग्स दे देता है। दिन वो उससे माफ़ी मांगता है और कहता है एक कंडीशन पे वो उसे छोड़ देगा। मैथ्यू को ह्यूगो के घर से उसका अवार्ड चुराना होगा। मैथ्यू ह्यूगो का अवार्ड चुराने जाता है पर तभी कैली पुलिस को कॉल कर देता है। अब पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। तब मैथ्यू कॉल करके उसके फ्रेंड्स को बुलाता है और वो लोग उसे पिकअप कर लेते हैं। मैथ्यू अब नशे में है, ड्रग्स ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इसी हालत में डैनियल के साथ वो डिनर पार्टी में जाता है। उधर वो बहुत ही स्टूपिड बिहेव करने लगता है। इस कंडीशन में भी वो बहुत अच्छी स्पीच देता है बट अनफॉर्चुनेटली उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलती। उसका क्लासमेट जीत जाता है। अगले दिन वो बैंक जाता है पर उसे पता चलता है कैली उसका स्टूडेंट एडवाइज़र बन के आया था और पूरे $25,000 ले गया है। अब मैथ्यू और डैनियल मिलकर एक प्लान बनाते हैं। ये दोनों ह्यूगो के पास जाते हैं, उससे माफ़ी मांग के उसका अवार्ड वापस कर देते हैं। मैथ्यू उसके साथ पार्टनरशिप करता है और स्कूल में एक वीडियो शूट करने की प्लान बनाता है। डैनियल उसकी 2 पॉर्न स्टार फ्रेंड्स को बुलाती है, फिर ये सब प्रॉम नाइट पे जाते हैं। मैथ्यू के क्लासमेट्स उन्हें देखकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं। फिर वो लोग मैथ्यू के पास आते हैं और पूछते हैं, क्या ये लड़कियाँ पॉर्न स्टार्स हैं? मैथ्यू कहता है हाँ। फिर वो कहते हैं, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? तब मैथ्यू उनसे पूछता है, क्या तुम लोग मूवी में काम करना चाहोगे? ये लोग राज़ी हो जाते हैं और वीडियो शूट होती है, लेकिन उसका क्लासमेट फाइनल सीन कर नहीं पाता। तब मैथ्यू कहता है ये सीन वो करेगा। वो ड्रेस चेंज करने जाता है तब एक टीचर आके उन्हें पकड़ लेता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये सब मैथ्यू इमेजिन कर रहा था। मैथ्यू को रियलाइज़ होता है वो ये सीन नहीं कर पाएगा क्योंकि वो डैनियल से सच में प्यार करता है और वो उसे धोखा नहीं दे सकता। तब उसका फ्रेंड कहता है वो ये सीन करेगा। फाइनली उनका शूट कंप्लीट होता है और वो घर चले जाते हैं। मैथ्यू और डैनियल गाड़ी में इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह उसका फ्रेंड उसे कॉल करता है और कहता है वीडियो टेप चोरी हो गई है। तब मैथ्यू घर जाके देखता है, उधर उसका प्रिंसिपल और कैली उसका वेट कर रहे हैं। कैली के हाथ में वही टेप है, इसका मतलब उसी ने ये टेप चुराया है। कैली मैथ्यू से अकेले में बात करना चाहता है। वो कहता है इस वीडियो के 50% पैसे तुम मुझे दोगे, नहीं तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स और प्रिंसिपल को सब कुछ बता दूंगा। मैथ्यू कहता है बता दो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तब कैली सबके सामने टेप को प्ले करता है, लेकिन वो देखते हैं ये वीडियो सेक्स एडुकेशन के ऊपर है। मैथ्यू स्मार्ट है, उसने पॉर्न वीडियो को एज अ सेक्स एडुकेशन वीडियो शूट किया है जिससे टीनेजर्स में अवेयरनेस फैल सके। कैली ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स और प्रिंसिपल मैथ्यू की तारीफ करते हैं। अब इस वीडियो को रिलीज़ किया जाता है और देखते ही देखते ये बेस्ट सेलर बन जाती है जिससे मैथ्यू बहुत सारा पैसा कमाता है। वो कैली को एक गिफ्ट भेजता है जिससे उन दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। वो अपने पैसों से उस कॉम्बोडियन स्टूडेंट को अमेरिका बुलाता है और उसकी एडुकेशन की खर्चा भी स्पॉन्सर करता है। जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी खुद ही भरता है और एक गाड़ी भी खरीद लेता है। डैनियल भी उसके साथ है और वो दोनों
एक साथ बहुत खुश हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।